समंदर में बहुत दूर एक शांत हवाईन आइलैंड को इमेजिन करो, जहाँ पे रेतीला बीच और गर्म पानी है। यहाँ पर क्लीन एनवायरनमेंट और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, पर वो भी तुम्हें ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या तुम यहाँ पे घूमना चाहोगे? तो वेल, तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। तो ये है निहाओ का एक आइलैंड, जहाँ पर बाहर के लोगों का आना जाना लगभग पिछले 150 सालों से बैन है। इतने टाइम से ये आइलैंड रॉबिन्सन फैमिली का है, और यहाँ पर बाहर के लोगों का आना जाना तो बैन है ही, पर साथ ही यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिस्टीरियस क्लोज्ड आइलैंड्स के बारे में, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि निहाओ के आइलैंड पर क्या चल रहा है। तो जब भी हम किसी मिस्टीरियस क्लोज्ड आइलैंड के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये होती है कि एक सीक्रेट मिलिट्री बेस होगा, जहाँ पे सीक्रेट वेपन्स की टेस्टिंग होती होगी। फॉर एग्जाम्पल, 17वीं शताब्दी तक एनवीटॉक एटॉल आइलैंड पर यूनाइटेड स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करती थी। बाद में यहाँ से रेडिएशन वाली मिट्टी को निकाल कर इसे रियूनिट आइलैंड पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट क्रेटर में रख दिया गया, और इसके ऊपर कंक्रीट की एक मोटी सी लेयर बिछा दी गई, जिसके बाद 1980 में इसे रहने के लिए सेफ अनाउंस कर दिया गया। तो क्या ये हो सकता है कि निहाओ का आइलैंड भी वेपन्स की टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा हो? पर ये सिर्फ एक थ्योरी है, जिसका फिलहाल कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट आइलैंड है जिसको ब्रूस और कीथ रॉबिन्सन ओन करते हैं, और किसी भी प्राइवेट आइलैंड को मिलिट्री वेपन्स की टेस्टिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इलीगल है। इवन दो कीथ रॉबिन्सन इस आइलैंड पर नहीं रहता, फिर भी वो हर हफ्ते कम से कम एक बार यहाँ पर जरूर आता है। कीथ का कहना है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही रेयर प्लांट है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, और वो इन्हें एक्सटेंट होने से बचा रहा है। और साथ ही उसका कहना है कि यहाँ पर कोई भी वेपन टेस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो उसे पता चल जाता। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि ये आइलैंड अपने आप में ही बहुत डेंजरस हो, और इन्हीं नेचुरल खतरों की वजह से यहाँ पर लोगों के जाने को बैन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील का किमाड़ा ग्रांडे आइलैंड, यहाँ पर रेप्टाइल्स की 4000 से ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और हर स्क्वायर मीटर में कम से कम 5 जहरीले सांप होते हैं, और साथ ही यहाँ पर कोई इनका शिकारी प्रेडेटर भी नहीं है जो इनको मार के इनकी आबादी को कम कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी इंसान का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, और इसीलिए इसे बहुत टाइम से इंसानों के जाने के लिए बैन कर दिया गया है। पर निहाओ आइलैंड पर कोई भी स्नेक नहीं है, फिर यहाँ लोगों के जाने पर क्यों मनाई है? यहाँ पर जो सबसे डेंजरस एनिमल है वो है मॉन्क सील। पर हमेशा डेंजर सिर्फ जानवर ही नहीं होते, बल्कि इसका कारण नेचर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हर्ड आइलैंड, जहाँ पर एक एक्टिव ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है, और ये लगातार में फटता भी रहता है, और एक बार इसके फटने की इन डेट्स को देखो, और इसी वजह से यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि जान सभी को प्यारी होती है, और यहाँ पर सिर्फ कुछ साइंटिस्ट रिसर्च के लिए जा सकते हैं। पर निहाओ के आइलैंड पर कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, ना ही कोई डेंजरस एनिमल है, और ना ही कोई नेचुरल ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ये पता चल सके कि इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, पर ये रीजन भी एलिजाबेथ सिंक्लेयर को इस आइलैंड को खरीदने से नहीं रोक सका। उसने ये आइलैंड 1864 में खरीदा था, और तब से ये आइलैंड उसकी फैमिली का है। पर सिंक्लेयर ने इस वीरान आइलैंड को क्यों खरीदा होगा? तो एक प्राइवेट आइलैंड एक प्राइवेट स्टेट की तरह होता है, जो किसी देश का पार्ट तो होता है, पर वहाँ पर किसी टाइप की पुलिस या कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक कैनेडियन बिलियनियर बिजनेसमैन गाय लाल लिबर्टे अपने आइलैंड पर ड्रग्स उगाता था, और अगर इसकी फोटो लीक नहीं होती तो इसके बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलता। तो क्या निहाओ के आइलैंड पर भी ड्रग्स की खेती या ऐसा ही कुछ हो सकता है? तो वहाँ के लोगों के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं ताकि वो बाद में उसे यूज कर सकें। पूरे आइलैंड में बिजली सिर्फ वहाँ के लोकल स्कूल में है, और शराब और सिगरेट पूरी तरह से बैन है। साथ ही वहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने की भी इजाजत नहीं है, और अगर कोई टूरिस्ट समाव यहाँ जाने की परमिशन ले भी लेता है तो उसे यहाँ के लोगों से बात करने की परमिशन नहीं मिलती, और तुम उनके घरों को भी सिर्फ तभी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है। पर यहाँ के लोग
लोगों को इस आइलैंड को छोड़कर जाने की इजाजत है, या एटलीस्ट ऑफिशियली रिपोर्ट्स में तो यही कहा जाता है। और रॉबिन्सन फैमिली के हिसाब से यही एक तरीका है यहाँ के यूनिक नेचर और कल्चर को बचाने का। और ये सच है कि कई बार बहुत से आइलैंड्स को इसी वजह से बंद किया जाता है ताकि वहाँ के इकोसिस्टम को बचाया जा सके। और एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ हुआ था सर्टरी आइलैंड के साथ, जिसे 60 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर अंडरवाटर वॉल्केनो था और साइंटिस्ट इसे स्टडी करना चाहते थे। ऐसा ही कुछ अल्बेट्रॉस आइलैंड के साथ भी हुआ और यहाँ पर कोई नहीं जा सकता क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ के कुछ रेयर बर्ड्स को एग्जामिन करते हैं। यहाँ के आइलैंड के ओनर्स भी कुछ ऐसा ही कहते हैं और उनका कहना है कि वो कुछ रेयर प्लैनेट्स और कुछ रेयर स्पीशीज को एक्सटेंट होने से बचा रहे हैं। उनके हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ के 18 साल इस काम में लगा दिए हैं और साथ ही $2.5 लाख तक भी खर्च कर चुके हैं। पर अगर सच में वो यहाँ के इकोसिस्टम के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर हर साल इतने सारे शिकारी हंट करने के लिए क्यों आते हैं? उनके हिसाब से वो जो कुछ भी कमाते हैं उन्हें लोकल लोगों पर लगा देते हैं और अब तक वो लोकल लोगों पर 8 से 9 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुके हैं और कई बार उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। पर वो फिर भी इस आइलैंड को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं है और वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ के यूनिक सिस्टम को बचा सके। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इस आइलैंड का यूज किसी अलग काम के लिए करते हो। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।